नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। सनातनी हिंदुओं और देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और अपमान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री के नाम कटनी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सनातन संस्कृति, जिसे भारतीय समाज का मूल आधार और सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है, हाल ही में जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर शासकीय महाविद्यालय ढीमरखेड़ा के पूर्व प्रभारी प्राचार्य ब्रजलाल द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, साधु संतों और महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की घटना ने हिंदू समाज को आहत और आक्रोशित कर दिया। इस घटना के बाद हिंदू समाज के सदस्यों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्यवाही की मांग की है। वर्तमान समय में सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के खिलाफ सुनियोजित हमलों में तेजी देखी जा रही है। सोशल मीडिया, शैक्षणिक संस्थान और अन्य मंचों का उपयोग करते हुए कुछ व्यक्ति और समूह सनातन संस्कृति के प्रतीकों, देवी देवताओं और संतों का अपमान कर रहे हैं। शासकीय महाविद्यालय ढीमरखेड़ा के पूर्व प्रभारी प्राचार्य ब्रजलाल द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां इस प्रकार के हमलों का ताजा उदाहरण है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साधु संतों और महापुरुषों के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे समस्त सनातनी हिंदू समाज अत्यधिक आहत हुआ है। हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में मांग की है कि संबंधित प्राचार्य ब्रजलाल को शासकीय सेवा से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। किया गया जन्माष्टमी के दिन सोशल मीडिया में, उससे हम सभी हिंदू समाज को बात कर रहे हैं उसकी सोशल मीडिया।